गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सहनमन। मंच पर विराजमान परम पूज्य स्वामी श्री वेदानंद जी महाराज, संत मत के आचार्य श्री, इनके चरणों में कोटि कोटि सहनमन। परम आदरणीय गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, सबों को नमन। अभी हम लोग विधाता ब्रह्मा जी और भगवान शिव का संवाद योग के संबंध में और उपनिषद से भी और गुरु महाराज की वाणी को सुन रहे थे। योगे न चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन। कहते हैं योग से चित्त की शुद्धि होती है। हकीकत में जो यह योग है ये आज से नहीं है। यही योग विद्या जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाए तो अर्जुन पूछते हैं कि सब आप ये योग विद्या जो सुना रहे हैं तो क्या ये पहले नहीं था? तो भगवान कहते हैं अर्जुन ऐसी बात नहीं कि मैं तुम्हें पहली बार सुना रहा हूँ, सबसे पहले यह योग मैंने सूर्य भगवान को सुनाया था, विवस्वान मनु जी महाराज को, और राजा मनु महाराज ने अपने पुत्र विवस्वान सूर्य को सुनाए थे, और विवस्वान सूर्य के ही वंश में इक्ष्वाकु, मांधाता आदि बड़े बड़े राजा ऋषि हुए, उन्होंने ये योग परंपरा आगे बढ़ाया। इसलिए राजा महाराजाओं के बीच में ये योग चला, इसलिए इसको राज योग कहते हैं। वैसे 170 देश के लोग अभी भी आपको 21 अप्रैल को ये योग दिवस मनाते हैं और पूरी दुनिया में इसका प्रचार हम लोगों के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रपोजल पर ये हुआ और आज लोग करते हैं। और आप लोग तो जानते ही हैं कि रामदेव बाबा का योग विख्यात है, करो योग रहो निरोग। हकीकत में ये बहुत बड़ी बात है। एक बार विदेशी लोग, एक बेंगलोर में योगा यूनिवर्सिटी है, 400 एकड़ में बना हुआ है और लगभग सारे दुनिया के लोग वहाँ योग शिक्षा डिग्री डिप्लोमा लेने के लिए आते हैं, तो बहुत विशाल योग का केंद्र है। तो वहाँ पर गुरु महाराज की कृपा से मुझे भी साल भर रहने का समय मिला, मैं वहाँ था। तो एक विदेशी लोग थे, वहाँ रहते हैं, तो एक विदेशी मुझसे पूछा कि वाट एवर इज बींग टॉट इन दैट यूनिवर्सिटी आई थिंक इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉब्लम, नथिंग रिलेटेड टू द स्पिरिचुअलिटी एंड मेंटल प्रॉब्लम। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी यहाँ सिखाया पढ़ाया जा रहा है ये शारीरिक, शरीर से शारीरिक संबंधित बात है, बाकी दिमागी बात और आध्यात्मिक बात इसमें कुछ मुझे नहीं दिखता है। एंड एनी वे आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी एंड इन स्पिरिचुअल थिंग्स। और कहा ऐसे भी मैं अध्यात्म विद्या में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, रुचि नहीं रखता हूँ, उससे कुछ होता जाता नहीं है। मैं उनको बोला देखो माइनस स्पिरिचुअलिटी योगा इज नथिंग, मतलब अध्यात्म ज्ञान को घटा दीजिए तो योग कुछ भी नहीं है। तो कहा अध्यात्म ज्ञान में क्या होता है? मैं बोला अध्यात्म ज्ञान में ईश्वर का ज्ञान होता है और ईश्वर की प्राप्ति ही असली योग है। तो वो बोलते हम तो ईश्वर को मानते ही नहीं हैं। तो मैं बोला कि मानते नहीं हो ये तो ठीक ही है। तो बोला ठीक कैसे है, यदि हम ईश्वर को माने तो इसके लिए कोई उपाय है, क्या करना होगा? मैं उनसे बोला कि देखो भाई, इन ऑर्डर टू बिलीव इन गॉड यू हैव टू बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया, यू हैव टू टेक वन मोर बर्थ इन ऑर्डर टू हैव फेथ लव एंड ट्रस्ट इन योगा एंड स्पिरिचुअलिटी। मैं बोला यदि आपको भगवान भगवती ईश्वर में विश्वास करना हो और उनसे मिलने के लिए योग भी करना हो तो भैया आपको एक और जन्म लेना पड़ेगा, यानी विदेश से फिर यदि कभी जन्म हो भारत में जन्म लोगे तो ये भारत भूमि में योग भक्ति का प्रचार घर घर में होता है, तो तब आपको योग विद्या समझ में आएगी। बोलिए श्री सद्गुरु।
यही हमारे बीच में स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं कि जैसे किसान लोग विविध प्रकार के फसल उपजाते हैं, तो भारत देश में बड़े बड़े योगी ऋषि महर्षि प्रकट होते हैं। तो हम लोगों के बीच में योग विद्या को समझाने के लिए स्वामी पूज्य बाबा विराजमान है। तो मैं आप लोगों का कीमती समय नहीं लूँगा, पर एक दो मिनट और बोलने की इच्छा है कि देखिए, जो योग विद्या वहाँ पर भगवान ने बतलाए थे और अभी जो हम लोग सीख रहे हैं, ये दोनों में बहुत अंतर है। ये तो है कि हर आदमी रोगी है, निरोग होना चाहता है, तो करो योग रहो निरोग, बात तो ठीक है, पर निरोग किस रोग से भाई? तो कहते रोग फिजिकल रोग, शारीरिक रोग। तो शारीरिक रोग से छूट करके आदमी निरोग हो जाए, ये फुल गारंटी है क्या? एक एक आदमी स्वस्थ आदमी फांसी लटक जाते हैं, पूरे शरीर में पॉइजन खा लेते हैं, मर जाते हैं, परिवार को खुद गोली मार करके, गुरु परिवार को मार के खुद मर जाते हैं। आखिर इसके अलावा भी कोई रोग है जो योग करने से निरोग हो जाए? तो और भी कोई रोग है अथवा और भी कोई योग है जिससे निरोग होया जाए? तो संत महापुरुष कहते हैं शारीरिक रोग के अलावा एक मानस रोग है। ये मानस रोग मन का रोग है, पर ये तन का योग तन के रोग को दूर करता है और मन का योग मन के रोग को दूर करता है। तो शारीरिक योग कीजिए, इसके साथ गुरु महाराज ने कहा जो अष्टांग योग है उसको करना ही होगा। अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम ये सब है। यम नियम का सार गुरु महाराज ने कहने की कृपा किए कि पांच पाप का त्याग और गुरु ध्यान सत्संग, यही है यम नियम का सार। इसके बाद हो गया आसन, तो आसन व्यायाम करने से शरीर शुद्ध रहता है, स्वच्छ रहता है, स्वस्थ रहता है। प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ये सारी क्रिया आपको मानस जप मानस ध्यान दृष्टि योग के अंतर्गत है। तो यही दृष्टि योग जो है मन की एकाग्रता एक बिंदुता पर हो तो यही है मन का योग और इससे मनोरोग दूर होता है। मानस रोग आप लोग जानते होंगे कि रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी महाराज ने विस्तार से वर्णन किया, ये जितने विकार है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सारे रोग हैं और यही रोग से जीव बार बार दुखों में पड़ता है। तो इसी रोग से मुक्ति के लिए ये मानस योग किया जाता है, दृष्टि योग। तो और भी सारी बातें हैं तो जिसको हम लोग पूज्य बाबा से सुनते हैं आगे। और देखिए गुरु महाराज पहले जब गृह त्याग किए थे तो बहुत गुरु के पास गए थे, बहुत साधना किए थे, पर गुरु महाराज के मन में शांति नहीं मिली। गुरु महाराज जानते थे कि जो रोग है वो तो कुछ और ही है, ये जीव बार बार जन्म लेता है मरता है, यही तो रोग है, तो इसके लिए कौन सा योग होना चाहिए? तो बहुत खोजने के बाद गुरु महाराज को बाबा साहब का दर्शन हुआ था और बाबा साहब ने कहा था लाला इस मानस रोग के लिए, मानस रोग मतलब विविध प्रकार के जो विकारें हैं, आवागमन का रोग, आवागमन सम दुख दोजा, इससे छुटने के लिए हे लाला मैं तुझे दृष्टि योग बताता हूँ। यही योग विद्या जब तुम करोगे तो परमात्मा से तुम्हारा योग हो जाएगा और सारे रोगों से वियोग हो जाएगा। लो मैं तुम्हें बता रहा हूँ जिस साधना को मैंने 32 वर्षों तक करके उस परमात्मा से योग किया, उस साधना को लाला मेरे आशीर्वाद है मेरा, तुम मात्र 10 साल करना और तुम्हें वो परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए श्री सतगुरु। तो हम लोग के ऊपर भी गुरु महाराज की कृपा है, उनकी साधना मिली है, यदि हम लोग भी उन्हीं कृपा के छाया में रह करके इसको करेंगे तो 10,000,000,000 जितना साल लगे पर इस मार्ग पर दुख नहीं है, केवल सुख ही सुख है। तो विशेष आनंद और सुख की प्राप्ति के लिए हम लोग आगे पूज्य बाबा से विस्तार से सुनेंगे श्री सद्गुरु महाराज की। हम लोग सनातन जी महाराज से बहुत मधुर